हाय माय वॉरियर्स, कैसे हो तुम लोग? सो टुडे इज डे 11 एंड दिस इज द लास्ट वीडियो जो मैं फिजिक्स से रिलेटेड डाल रही हूँ. उसके बाद आई विल मूव ऑन टू केमिस्ट्री एंड फिर लास्ट में बायोलॉजी. सो आज मैं बताने वाली हूँ तुम लोगों की हाउ विल यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फिजिक्स एंड कैसे मैं सॉल्व करती थी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, अगर तुमने यकीन बैच में एनरोल किया है तो तुम्हें एक टेलीग्राम ग्रुप मिला होगा जिससे तुम डाउट पूछ सकते हो. और सर जैसे बोल रहे थे कि उन्होंने डाउट इंजन भी इंक्लूड किया है, उनके बैनर में भी लगा हुआ था. देखो, मैंने ज्वाइन नहीं किया तो मुझे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है. शायद वो भी था 24/7 डाउट इंजन करके, अगर वो है तो वो भी बहुत अच्छी बात है. और मैं तो बहुत ही अलग तरीके से सॉल्व करती थी. मेरी अप्रोच, मेरी थिंकिंग प्रोसेस, जिसे मैं अपने आप को डील करती थी, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. तो तुम लोग को बता दूं कि मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी. थोड़ा कहानी टाइप्स होगा, मेरी कहानी, मेरी जुबानी टाइप्स, लेकिन बताना जरूरी है यार. कितने लोग सोचते हैं यार मेरे पास टीचर नहीं है फिजिक्स के क्वेश्चन बताने को, प्रॉब्लम्स बताने को, तो सॉल्व वो खुद नहीं कर पाते. लाइक मैं तुम्हारा ना थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, मैं बिल्कुल ही उसको एल्टर कर दूंगी. देखो, पहले पहले मेरे साथ क्या होता था, मेरे बहुत फिजिक्स में डाउट्स आते थे क्योंकि मेरी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं थी. वो सबको पता है, सबको पता है, ठीक है. मेरी फिजिक्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी तो मेरे बहुत ज़्यादा डाउट्स आते थे. तो मैं क्या करती थी, देखो मुझे एक बात अच्छे से पता है. जब मेरा मेरी कहानी मेरी जुबानी, जिसने फर्स्ट अटैम्प में देखा होगा मेरा फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने भगवान जी से रो के बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. और फिर मैंने कसम खाई कि मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगी और मेरे लिए ऐसा कोई वरदान तो आएगा नहीं मुझे हेल्प करने के लिए. सो मुझे ये चीज़ पता थी तो मैं क्या करती थी ना, कुछ कुछ ऐप्स होते हैं जैसे स्नैपसॉल्व हो गया, टॉपर्स आंसर करके हो गया, फिर प्रीमियम वर्जन नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी ऐप्स रहते थे अवेलेबल, उसका यूज़ करती थी. फिर धीरे धीरे मुझे उसमें से भी क्वेश्चन नहीं मिलने लगे या मुझे लगता था कि नहीं मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा उनके सोल्यूशन से, तो तब मैंने क्या स्टार्ट किया, तब मैंने खुद से सोचना उसको स्टार्ट किया, ठीक है. जैसे तुम लोग होते हो ना कि तुम लोग कैलकुलेट करते हो 6 महीने में ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या. मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो मैं तो ऐसे भाड़ में जाए समय, मैं तो अपना बेस्ट दूंगी और हर रोज़ दूंगी. देखती हूँ कैसे नहीं नीट तक मेरा हो पाता है सिलेबस. मैं हमेशा अपने आप को ऐसे चैलेंज करके बोलती थी, यार मैं तो पढ़ने जा रही हूँ दिन रात एक करके, देखती हूँ कैसे नहीं होता है. और मैं तो तुम्हें हर बार ही ट्रिक सिखाया मोबाइल में रिकॉर्ड करके, अपना वो मोमेंट रख लो. तो मैं तो एग्रेसिव एकदम चिल्लाती थी कि मैं तो जा रही पढ़ने, नहीं हो रहा सॉल्व. मैं 100 बार उस वीडियो को देखूंगी लेकिन मैं अपना डाउट क्लियर करके ही रहूंगी. तो अगर मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट होता था तो तुम लोग की क्या मेंटालिटी होती अभी, यार मेरा तो दिन में टाइम ही नहीं मिलता, मेरे को केमिस्ट्री भी करना है, मेरे को बायो भी करना. लेकिन मेरी क्या मेंटालिटी होती थी, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है ना, मैं 2 घंटे का लेक्चर 2x की स्पीड में फिर से देखूंगी, फिर नहीं सॉल्व हो रहा है तीसरी बार देखूंगी. जब तक सॉल्व नहीं होता था मैं वो काम करती ही रहती थी बिना दिमाग में ये टेंशन और स्ट्रेस लिए कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. यार टाइम वेस्ट हो रहा है, कैसे बोल सकते हो टाइम वेस्ट हो रहा है, जब मैं वो लेक्चर 3 बार देख रही हूँ तो मैं पढ़ ही तो रही हूँ, इंस्टाग्राम तो नहीं ना चला रही हूँ, यूट्यूब तो नहीं चला रही हूँ ना. तो जो भी टाइम तुम अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करो उसको वेस्ट नहीं कहते हैं, कभी भी वेस्ट नहीं कहते हैं. तुमको लगता है अगर फिजिक्स में 2 घंटे देने थे, तुमने 4 घंटे दे दिया ना, तो तुमने 2 घंटे वेस्ट कर दिया. अरे क्यों वेस्ट कर दिया, तुम पढ़ ही ना रहे थे, ठीक है. तुम्हें अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तुम उस चीज़ को कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें 2 घंटे की जगह 4 घंटा लगा, तो मतलब 2 घंटे वेस्ट हो गए, मतलब 2 घंटे तो तुम्हारे प्रोडक्टिव हुए नहीं. कितनी खराब मेंटालिटी है. और मेरा यही काम है ना कि तुम्हें मेंटली एग्जाम्पल प्रिपेयर करूँ, तुम्हें मेंटली ऐसे हर चीज़ समझाऊँ, तुम्हें हर चीज़ को रिलेट करके बताऊँ कि तुम इधर से कहाँ गलत सोचते सोचते तुम्हारा काम गड़बड़ाता है लास्ट में जा करके. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर्स. तो बस मैं यही चीज बोल रही हूँ, जो चीज तुम ठान लो ये चीज करना है तो उसमें जितना टाइम लगे करना है, मतलब करना है, नहीं हटना है पीछे. मैं तो बिल्कुल ही जिद्दी. देखो मेरे को एक बात अच्छे से पता था, तनीषा तू कोई ना टॉपर तो है नहीं कि तुम्हें पर्सनल अटेंशन मिलेगा, तुम्हें PW की पूरी टीम पर्सनली तुम्हें अटेंशन देगी. हाँ बेटा तनीषा क्या डाउट है लाओ मैं बता दूँ, ठीक है. ऐसे तो मैं हूँ नहीं क्योंकि मैं बैकलॉग हो गया था मेरा स्टार्टिंग में PW का. मेरी कहानी मेरी जुबानी में बताऊँगी मैं, जैसे तुम लोग का भी हो रखा है ना, मेरा भी हो गया था. तो मेरे टेस्ट में नंबर कम 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 ही आते थे इनिशियली, तो कम ही आते थे. तो टीचर्स तो पहले बच्चों को सेलेक्ट किया होगा, नहीं किया होगा, शायद एक बार पीच में फैला था कि सेलेक्ट कर लिया है. तो
कभी भी अपने आप को ठीक है यार कर लिया सेलेक्ट कर लिया। और मेरी एक और प्रॉब्लम थी ना, टेलीग्राम ग्रुप जो था ना, जो बना हुआ था, मैं उसकी भी हेल्प नहीं लेती थी। मैं ना बिल्कुल भी टेलीग्राम भी नहीं यूज करती थी, क्योंकि मुझे लगता था ना कि मेरा टेलीग्राम में टाइम वेस्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि टेलीग्राम में टीचर्स बताते नहीं है क्वेश्चन, लेकिन क्या होता है ना कि हर बच्चों के लिए हर चीज कंफर्टेबल नहीं होता है। 5 से 6 बताते थे, लेकिन मुझे लगता था कि पर्सनली मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं उसकी भी हेल्प नहीं लेती थी। देखो, तुम्हें कभी भी अपने प्रिपरेशन के दौरान कभी भी लगे कि तुम्हारा किसी चीज़ से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको जबरदस्ती नहीं करना है। मतलब पता है, देखो मेरा ये था ना कि टेलीग्राम में जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उसको हटा के मैं एक ही लेक्चर को बार बार देख के खुद से अपना डाउट सॉल्व करूंगी ना, तो मज़ा ही कुछ और रहेगा यार। तुम जब किसी भी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो, जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व है उसके लिए तुम बार बार मेहनत कर रहे हो, बार बार लेक्चर दे रहे हो, कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो, कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए फिजिक्स में, ये बात मैं बता रही हूँ। तो क्या होता है ना कि तुम जब ज्यादा इनपुट दोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा आउटपुट मिलेगा। अब हम और तुम कार्नोट इंजन की तरह तो नहीं है कि 100% एफिशिएंसी देंगे, चलो 80% ही देते हैं, लेकिन जितना ज्यादा इनपुट होगा उतना ज्यादा ही आउटपुट होगा ना, हमेशा हमेशा। तो मेरा ये था कि मुझे मेहनत करनी है चाहे जो हो जाए। कितने लोगों ने मेरे स्टडी ब्लॉग में भी देखा होगा, मैं जब सेपरेट नोट्स बनाती थी अपना कंप्लीट नोट्स, तब भी मैं लेक्चर देखा था, और जब मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी तब भी मैं लेक्चर देखती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि देखो तनीषा तुम्हारा ये लास्ट चांस है, और तुम कहीं भी मतलब वो नहीं होनी चाहिए तुम्हारे में, कहीं भी कमी नहीं छोड़ना है, लेक्चर ही तो है, जितने बार देखना है उतनी बार देखो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जितनी बार देखना है उतनी बार देखने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम के तुम 1-2 महीने पहले तक तुम लेक्चर ही देख रहे हो। ये चीज़ मैंने देखा था कि एग्जाम के 1-2 महीने जब मेरा फिर से डाउट आना चालू हुआ था किसी चैप्टर से रिलेटेड, तो मैं जाके लेक्चर देखती थी, तो बच्चों का कमेंट आता था कि पूरा पूरा वो लेक्चर देख रहे हैं। वो चीज़ बहुत ही गलत है, वो चीज़ तो बिल्कुल भी मत करना तुम लोग। एग्जाम के 1-2 महीने पहले तुम वही लेक्चर देख सकते हो, वो लेक्चर का छोटा सा पार्ट देख सकते हो जिस पार्ट में तुम्हें प्रॉब्लम है, पूरा पूरा लेक्चर मत देखना। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है लेक्चर पढ़ा हुआ है तो अपन बाद में भी देखेंगे, हर बार देखेंगे, बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट करो ना, तो भाई साहब आग लग जाना चाहिए, जहाँ तुम बैठे हो ना उधर आग लग जानी चाहिए। कैलकुलेशन मत किया करो बिल्कुल भी, पढ़ाई में कैलकुलेशन नहीं देना है भाई साहब, 100% देना है, नहीं तो नहीं देना। या तो देखो, या तो पढ़ो तो जबरदस्त पढ़ो, या तो मत पढ़ो। नहीं तो देखो, कम पढ़ोगे और नहीं पढ़ोगे में तो कोई अंतर नहीं होगा। ये चीज़ मुझे बहुत खाती थी, मैं अपने मम्मी पापा से बोलती रहती थी, देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना तुम लोग, इसको फील करना आज मैंने क्या बोला, तुम नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम कम पढ़ोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। कम पढ़ोगे मतलब 500 तक नंबर लाओगे, 550 तक, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों, 550 लाने तक तुमने मेहनत नहीं किया था? बहुत मेहनत लगता है, 550 लाने में भी बहुत मेहनत लगता है, सिलेक्शन नहीं होगा तो इतना भी मेहनत करने का क्या मतलब हुआ? हुआ कोई मतलब? इससे बढ़िया नहीं मेहनत करते तो भी तो सिलेक्शन नहीं होता। वही बात है ना, मेहनत करो तो भाई साहब जबरदस्त करो, वरना मत करो, क्योंकि आधा अधूरा मेहनत और थोड़ा सा मेहनत करने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। इससे बढ़िया तुम चिल करो ना, जो बच्चा दिन रात चिल कर रहा है, पार्टी जा रहा है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम थोड़ा सा कम एफर्ट डाले अपना, तुम्हारा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुमसे तो अच्छी लाइफ हो गई ना उसकी। तो एक बार अगर इस फील्ड में आ गए हो तो पागल बन जाओ, एकदम पागल बन जाओ। करना है तो करना है, कैसे नहीं होगा, मेरे से ही होगा, देखती हूँ कैसे नहीं होता है। मैं तो ऐसे एकदम जिद्दी एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाती थी, कैसे नहीं होगा, 10 बार क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, ठीक है फिर भी नहीं आया, रख दिया, कल फिर से पढ़ा, कैसे नहीं होगा यार। ये रोज इवॉल्व होता है, ये रोज रोज इवॉल्व होता है। कल से मैं आज बड़ी हूं, मैं अगर कोई गलती करती हूँ तो मैं अभी भी बोलती हूँ, कल की भी गलती को बोलती हूँ, मम्मा कल मैं छोटी थी ना, आज तो मैं एक दिन ज्यादा बड़ी हो गई, तो कल सॉल्व नहीं हुआ आज हो जाएगा, आज नहीं होगा परसों हो जाएगा। और तुम्हें क्वेश्चन भी कहाँ है, ऐसे कौन से इतने बड़े डाउट आ जाते हैं कि तुम्हें इतना टीचर के लिए घूमना पड़ता है। DPP सॉल्व करते हो, DPP की सॉल्यूशन सर प्रोवाइड ही करते हैं, टेस्ट होता है टेस्ट के सॉल्यूशन सर प्रोवाइड ही करते हैं, और PYQs करना होता है, और क्लास में लेक्चर्स में जो क्वेश्चन कराते हैं उसके भी तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने होते हैं। और मैं रेफरेंस बुक के पीछे नहीं भागती थी, क्योंकि मुझे पता था, मैंने बहुत सारा ड्रॉप किया है, घंटा कुछ फर्क पड़ता है रेफरेंस बुक से, रेफरेंस बुक से फर्क पड़ता होगा तो टॉपर्स को पड़ता होगा। और मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे 20 मिनट बस मैंने बचा लिया होता ना बायो में से अपने एग्जाम में, नीट एग्जामिनेशन में, मेरा 121 मार्क्स नहीं, मतलब मेरा 145
मार्क्स तो आ ही जाता फिजिक्स में आराम से, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मेरा पेपर छूट गया था। फिजिक्स में मेरे बहुत कम क्वेश्चन नेगेटिव हुए हैं, 1-2-3 हुए होंगे और ज्यादा नहीं हुए होंगे बस। और इतना माथा बच्ची करने वाला कोई है भी नहीं। माथा बच्ची तब होता है जब कोई टेस्ट का सोल्यूशन जो टीचर बता रहा हो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं खुद से ही सॉल्व करती थी, एकदम हद मचा देती थी। देखो मेरे लिए तो कोई आएगा नहीं सॉल्व करने के लिए, मुझे तो खुद से ही करना और मैं खुद से ही करके रहूंगी, कैसे नहीं होगा। और जो भी क्वेश्चन आएगा यार, IIT का क्वेश्चन थोड़ी उठा के दे देगा, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, चलो ठीक है इस बार पेपर हाई लेवल था, लेकिन होगा तो उतने में से ही ना जितने में सर पढ़ाया है। सर लोग को सब पता है, सर लोग सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तुम उसी को अपना क्लास नोट्स 10 बार रिविजन करो, कैसे नहीं आएगा। वही कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा घुमा के पूछता है, थोड़ा सा हाई लेवल बनाने के लिए 1-2 चैप्टर को लिंक कर देता है और ज्यादा कुछ खास काम होता नहीं है। ठीक है तो और क्या, और ऑफलाइन जो कोचिंग में है उसके लिए तो बिल्कुल ही बेहतरीन है, तुम लोग को टीचर्स मिलते हैं, फैकल्टी मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो ऑनलाइन है मैं तो बोलती हूँ बेस्ट तरीका खुद से ही करो, एकदम हद मचा दो, एकदम जैसे होता है ना कोई बच्चा छोटा बच्चा जिद्दी होता है कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, तो बस मतलब मैं भी जिद्दी, मुझे ये क्वेश्चन करना है तो करना है, खुद से ही करना है, बात खत्म। और बात हुई टीचर्स की, तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो टीचर्स उसी को ध्यान देते हैं जो टॉपर बच्चा होता है, जिस बच्चों से उनके कोचिंग का नाम हो, चाहे वो XYZ कोई भी कोचिंग हो, कोई भी कोचिंग, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, सारे कोचिंग में ही होता है, लेकिन टॉपर्स कम होते हैं ना, एवरेज बच्चे ज़्यादा होते हैं ना, एवरेज बच्चों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मुझे पता है ना। तो बस एवरेज बच्चों के लिए यही है यार, एकदम नर्क मचा दो अपनी जिंदगी में। दुखी करने वाले क्वेश्चन को तुम ही दुखी कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई अवतार नहीं आएगा ना। मेरे लिए आया है, मैं भी एवरेज स्टूडेंट थी, नीट प्रिपरेशन के जर्नी में पहले तो मैं टॉपर थी, और ना तुम्हारे लिए कोई अवतार आएगा, तो तुमको खुद के लिए ये सब चीज करना पड़ेगा जैसे मैंने खुद के लिए सब चीज किया है, बात खत्म। सो गाइस तुम्हें इधर से मेंटली स्ट्रांग कर दिया होगा कि हाउ टू सॉल्व योर फिजिक्स डाउट्स, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।